मैं कौशल किशोर, उत्तर प्रदेश सरकार में मैं पूर्व मंत्री भी रहा हूँ, निर्दलीय विधायक रहा हूँ मलिहाबाद से, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मोहनलालगंज लोकसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी हूँ, और इसलिए प्रत्याशी बनाया गया हूँ कि अब देश को बचाने की मुहिम है। नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है और बीजेपी का जो नारा है कि देश बचाओ मोदी लाओ, तो उसी नारे के तहत आज हम सब लोग जुड़े हैं, क्योंकि देश को बचाना अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बाहर की ताकतें भी हमला कर रही हैं और इंटरनल भी पूरी तरीके से हमको खोखला किया जा रहा है, इसलिए देश को बचाने के लिए हम लोग इस मुहिम में जुड़े हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो नौकरी और रोज़गार का मामला है क्षेत्र में, वो तो एक पूरी जब हमारी सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हम एक क्षेत्र के लिए पर्टिकुलर नहीं करेंगे, पूरे देश के लिए लोगों को रोज़गार देने की बात करेंगे, और ऐसे रोज़गार को सृजित किया जाएगा कि हर क्षेत्र में, हर ज़िले में, हर गांव में लोगों को रोज़गार मिले। इस तरीके से रोज़गारों को सृजित करने का काम किया। देखिए, बेहतर शिक्षा के लिए हमारे क्षेत्र में जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं, मलिहाबाद है, सिधौली है, मोहनलालगंज है, BKT और आपका सरोजनी नगर, इनमें लड़कियों के लिए कोई इंटर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, और लड़कों के लिए भी जो प्राइवेट हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है। तो मेरी प्रायोरिटी होगी कि लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज भी खुले, इंटर कॉलेज भी खुले, और उनको एजुकेशन देने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए भी सरकार की तरफ से इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, MBA के हैं, इस तरीके से खोले जाए। लेकिन मैं विधायक रहा मलिहाबाद में, वहाँ पर भी 8 घंटे बिजली मिलती थी, मैंने धरना देकर के 22 घंटे बिजली कराया था। मैं अगर सांसद का चुनाव जीतता हूँ तो मोहनलालगंज लोकसभा सीट में मैं अल्टीमेटम दूंगा कि 24 घंटे बिजली दी जाए, क्योंकि 24 घंटे बिजली का पैसा देते हैं। अगर बिजली नहीं देंगे तो हम नोटिस देंगे और पावर हाउस पे वहीं पे हम धरना तब तक देंगे, वहीं पकाए खाएंगे जब तक बिजली 24 घंटा नहीं मिले। क्योंकि महिला सशक्तिकरण का जहाँ तक ये सवाल है, मैं समझ रहा हूँ कि उनको बराबर की एजुकेशन मिलनी चाहिए और राजनीति में भी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। आज पंचायती राज में जो महिलाओं को हक दिए गए हैं, अभी उससे थोड़ा थोड़ा महिलाएं आगे बढ़ी हैं, लेकिन जब तक पार्लियामेंट असेंबली में उनकी सीटें रिजर्व नहीं हो जाएंगी, उनका कोटा रिजर्व नहीं होगा, मंत्रिपरिषद में जब तक कोटा रिजर्व नहीं होगा, प्रशासन में और शासन में जब तक उनका कोटा रिजर्व नहीं होगा, तब तक उनको सशक्तिकरण पूरी तरीके से नहीं होगा। इसलिए हमारी डिमांड, हमारी कोशिश रहेगी कि हर जगह पर इनका आरक्षण सुनिश्चित। नंबर एक तो बिजली दिलाएंगे, नहरों में पानी नहीं आता है वो पानी दिलाने का काम करेंगे, जो गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि थाने में जो पुलिस पट्टे चलाती है लोगों के ऊपर, वो पट्टे चलाना बंद होंगे। थाना, ब्लॉक, तहसील का काम हम लोगों का मोबाइल पे ही कराने का काम करेंगे और 24 घंटे जनता के लिए मोबाइल पे उपलब्ध रहेंगे। क्षेत्र के वोटरों से मेरी अपील है कि सबसे सस्ता और सुलभ कोई उपलब्ध हो पाएगा तो मैं कौशल किशोर, हर घर 24 घंटे में जब भी वो रात के 2 बजे फ़ोन करेंगे, मैं उनको फ़ोन उठाऊंगा, उनकी बात सुनूंगा, प्रॉब्लम समस्या सुनूंगा, उस समय हल होने वाली होगी तो हल उठ करूँगा, नहीं तो फिर दूसरे दिन समस्याओं का हल निराकरण करने का काम करूँगा।